कुल 229 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 70 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव में 800 से अधिक मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। सुरक्षा के लिए 5000 से अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान दलों के को रवाना किया जाएगा, जिसमें चित्रकूट विधानसभा में 1,67,772 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और इसमें पुरुष मतदाता की संख्या 79,235 और महिला मतदाता की संख्या 88,536 है। कुल 5 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान केंद्रों में वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सभी का हम लोग उपयोग करते हुए बल लगाए हैं और आज सभी डिस्ट्रीब्यूटर होकर सभी मतदान में जा रहे हैं। सभी के साथ पुलिस और जिला भी साथ में जा रहे हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि शांतिपूर्ण मतदान। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है और ये लोकतंत्र का जो महापर्व है इसको सारे अधिकारी कर्मचारी मिलकर मनाते हैं और हम इससे पहले भी कई बार जो अंदरूनी क्षेत्रों में ड्यूटी करके आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि इस बार भी सफलतापूर्वक हम वहाँ पे संपन्न चुनाव करवा के वापस आ जाए। 229 मतदान केंद्रों के आज मतदान दल रवाना हो रहे हैं। अब तक 190 से अधिक दल रवाना हो चुके हैं, यहाँ से सामग्री प्राप्त कर चुके हैं और गाड़ियों से भी रवाना हो रहा है। 3 बजे से 5 बजे तक सभी अपने स्थानों पर पहुँच जाएंगे सकुशल और कल सुबह 8 बजे से मतदान की कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में सुपर